छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर रायगढ़ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा, जिसके बाद आम सभा को संबोधित भी करेंगे, जिसकी तैयारियाँ शुरू की गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में दो बड़ी परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, जिसे दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी ने आपसे बातचीत की और आज छत्तीसगढ़ का आमजन ये महसूस कर रहा है कि राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया। और ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से ऊब चुकी है, परेशान है, आक्रोशित है, नाराज है, दुखी है।